माननीय पवार साहेब हे देशाच्या राजकारणामध्ये काम करत राहतील, विरोधी पक्षाचं नेतृत्व करत राहतील, भारतीय जनता पक्षाचं दिल्लीतून आणि महाराष्ट्रातून पूर्णपणे उपक्ष निस्तनाबूत होत नाही सत्तेवरून तोपर्यंत ते काम करत राहतील याची मला खात्री आहे। काल त्यांनी त्यांच्या पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला। माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांनी राजकारण संन्यास घेण्याचे संकेत दिले नाहीत आणि ते घेणारही नाही, कारण शरद पवारांसारखे नेते हे समाजकारणाचे आणि राजकारणाचे प्राण आहेत, श्वास आहे तो। तो कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी नेहा इसको लेकर आ रही है, जैसे ये खबर आई है किस किस तरीके के रिएक्शन आए आपको सुनवाते हैं। गैरसमज करून घेता है कि पवार साहब अध्यक्ष नहीं म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेस मध्ये अध्यक्ष खरगे पण काँग्रेस चालले सोनियाजींच्याकडे बघून, त्याच्यामुळे पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागाबाळाने पण सांगायचं कारण नाही। त्याच्यामुळं आपण जे सारखं सारखं सांगताय आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला आहे, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी काँग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमैच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रखे हैं, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। ये हम सब लोगों के लिए अचानक एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि शॉक, एक आघात जैसा था कि उन्होंने इस तरह का वक्तव्य किया और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है कि हम उनको मनाने में सफल होंगे। वर्षा पे 1990 दरम्यान हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुद्धा शिवसेना प्रमुख पदाचा राजीनामा दिला, पण लोकमताचा आणि शिवसैनिकांचा रेटा एवढा अफाट होता की काही दिवसांनी त्यांना तो राजीनामा परत घेऊन पुन्हा एकदा शिवसेना प्रमुख पदावर विराजमान जनतेने केलं। एका विशिष्ट परिस्थितीत घेतात माननीय पवार साहेबांनी असा निर्णय घेतला असेल तर तो त्यांचा। ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जहां पर इस वक्त एनसीपी की मंथन चल रहा है। और ऋतिक, सबसे अहम सवाल ये कि जब अजीत पवार मना कर रहे हैं पद लेने से तो जाहिर तौर पर प्रमुख तौर पर नाम सुप्रिया सुले का आ रहा है, क्या उनके नाम पर आम सहमति बन सकती है या फिर पवार के परिवार का कोई बाहरी व्यक्ति यानी कि नॉन पवार जो है वो अध्यक्ष बन सकता है? जी देखिए, जिस प्रकार शरद पवार ने कल अचानक में घोषणा कर दी और जिसका झटका जो है सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर पार्टी से दूसरा अध्यक्ष सामने लाना है और उस पर अगर सर्वसहमति बनानी है तो जाहिर तौर पर एक तरह से एक कमेटी गठित कर सभी आला नेताओं को इस पर बातचीत कर ये इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा कि जो कोई अध्यक्ष आगे जाकर होने वाला है वो अध्यक्ष जो है वो सर्वसहमति से बना है, वो सिर्फ शरद पवार चाहते हैं इसीलिए पार्टी पर थोपा नहीं गया है। साथ ही साथ ये सारी बातें जो है ये पार्टी कैडर में भी पहुंचानी होगी, पार्टी कैडर को भी इसके लिए कन्विंस करना होगा जिसके लिए कुछ समय की ज़रूरत है। जाहिर तौर पर जिस तरह से कमेटी की घोषणा कल ही इस्तीफे के बाद शरद पवार ने की जिसमें सभी आला नेता शामिल है, उन आला नेताओं के चर्चा के बाद एक नाम ने जो है सामने प्रपोज किया जाएगा और उस नाम पर शायद एक वोटिंग हो सकती है या उस नाम पर चर्चा होकर
फिर निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पिछले 15 दिनों से पार्टी के अंदरूनी कुछ बड़े नेता है वो इस पर काम कर रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष बनाने की और उन्हें चुनने की जो कुछ प्रक्रिया होती है, जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वो पहले से ही शुरू कर दिया गया है। सिर्फ नाम कौन सा होगा, किसको पार्टी अध्यक्ष बना जाएगा, ये तय होना है। सुप्रिया सूले इस रेस में सबसे आगे दिख रही है, क्योंकि हमने देखा जिस प्रकार अजीत पवार ने बयान दिया है कि वो पार्टी अध्यक्ष के रेस से आप नजर बनाए रखिए। ये मीटिंग अभी चल रही है, क्या फैसला इसमें होता है इस पर भी नजर रहेगी।